सो गाइस, तो सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई प्रूफ देख लो। मुझे क्रेडिट भी पर्सनल लोन एप्लीकेशन के द्वारा मुझे यहाँ पे 1 लाख का मुझे यहाँ पे लोन ऑफर करा, जो अभी यहाँ पर अप्लाई प्रूफ देख सकते हो। और मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है, जो देख सकते हो कि यू आर एलिजिबल फॉर ए लोन, यानी कि मैं 1 लाख का लोन लेने के लिए एलिजिबल, और कांग्रेचुलेशन का ऑप्शन भी ऊपर देखने को आ चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ओनली फॉर 4 स्टेप में मैं यहाँ से लोन ले सकता हूँ। पहला, यहाँ पर आप देख सकते हो लोन मतलब आपको बता दिया जाएगा कि आप कितना लोन लेने के लिए एलिजिबल हो। दूसरा, यहाँ से आपको लोन एप्लीकेशन में आप चले जाओगे, उसका दोस्तों यहाँ से लोन एग्रीमेंट आपको साइन कर लेना है, और यहाँ पर आप सीधा अपने बैंक अकाउंट में ऐसे अमाउंट ले सकते हो। तो दोस्तों, कैसे इसमें लोन अप्लाई करना है, क्या ट्रिक है दोस्तों, सभी कुछ हमें स्टेप बाय स्टेप बताएंगे दोस्तों कि आप क्रेडिट भी लोन एप्लीकेशन के अंदर पर्सनल लोन कैसे अप्लाई कर सकते हो, और आपको जो लोन अमाउंट मिलेगा उसको विद इन 2 मिनट्स के अंदर में आप अपने बैंक अकाउंट में भी कैसे सीधा ट्रांसफर कर सकते हो। तो दोस्तों, सभी कुछ हमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि आपको कैसे क्रेडिट भी लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना है। दोस्तों, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर वीडियो का स्किप करोगे और एक भी ट्रिक आपसे मिस्टेक हो जाएगा तो आपको क्रेडिट भी लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, तो जैसे आप फर्स्ट टाइम क्रेडिट भी लोन एप्लीकेशन को ओपन करोगे, फिर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्रेडिट भी पर्सनल लोन आपको पहले ही बता देता है कि आप यहाँ से मैक्सिमम 5 लाख तक आप यहाँ से लोन ले सकते हो। जो ऊपर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर आ चुका है कि आप यहाँ से मैक्सिमम 5 लाख तक आप यहाँ से लोन ले सकते हो। तो दोस्तों, अब आपको लोन अप्लाई करने के लिए करना क्या पड़ेगा दोस्तों, नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, लॉगिंग साइनअप विथ मोबाइल नंबर। तो यहाँ से आपको लॉगिंग साइनअप विथ मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे उस पर दोस्तों क्लिक कर लोगे, उसका दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। उसका नीचे यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जो जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लिया। जैसे वहाँ से आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन दोस्तों क्लिक कर लोगे, उसका दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका क्रेडिट लोन एप्लीकेशन यहाँ से लॉग इन हो जाएगा। उसके बाद अब आपको क्रेडिट पर्सनल लोन एप्लीकेशन के दोस्तों परमिशन देना है। तो परमिशन देने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको थोड़ा नीचे आना। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक चेकबॉक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसका दोस्तों नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो कि आई एग्री का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको क्रेडिट भी लोन एप्लीकेशन के परमिशन दे देना है। जैसे यहाँ से परमिशन दे दोगे, उसका दोस्तों फिर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर आपको 4 टाइप का यहाँ पर आपको लोन देखने को मिल जाता है। पहला, आपको पर्सनल लोन यहाँ पे 5 लाख का लोन मिलेगा। फ्लेक्सिबल पर्सनल लोन यहाँ पे आपको 80,000 का मिलेगा। उसका ईएमआई लोन यहाँ पर आपको 2 लाख तक का लोन दिया जाएगा, और बिजनेस लोन यहाँ से आप 4 लाख तक आप यहाँ से लोन ले सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बताएंगे कि आप पर्सनल लोन यहाँ से कैसे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप क्रेडिट भी लोन एप्लीकेशन के अंदर अगर आप मतलब पर्सनल लोन अगर आप यहाँ से अप्लाई करते हो, तो दोस्तों इसको आप सीधा अपने बैंक अकाउंट में यहाँ से ले सकते हो। अगर आप यही दोस्तों यहाँ पे परचेस ऑन ईएमआई वाला लोन अगर आप यहाँ से अप्लाई करते हो दोस्तों, तो यहाँ से ओनली फॉर आप यहाँ से शॉपिंग ही कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो सभी कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज इसमें हम बताएंगे कि आप पर्सनल लोन कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए करना क्या पड़ेगा, नीचे वो कंटिन्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से वो कंटिन्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ से आप कंटिन्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे दोस्तों क्लिक कर लोगे, उसका दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप प्रोफाइल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जो देख सकते हो प्रोफाइल का ऑप्शन आ चुका है, और यहाँ पे आपको 3 स्टेप यहाँ पे करना है। पहला, आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको इंटर करना है। उसके बाद आपको जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको टाइप करना है। और तीसरा आपका आ जाता है रेफरेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। तो दोस्तों, केवाईसी करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको इस एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, हम इस एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप इस एरो वाले ऑप्शन दोस्तों क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाएगा। उसका यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ यहाँ पे इंटर करना है, यानी कि दोस्तों आपको आधार कार्ड को यहाँ से वेरीफाई करना है। उसके बाद पैन कार्ड को यहाँ से वेरीफाई करना है। उसका दोस्तों अपना सेल्फी यहाँ पे अपलोड करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एड्रेस प्रूफ यहाँ से करना है। दोस्तों, आपको करना क्या पड़ेगा, आपके यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ आप सबमिट वाले ऑप्शन दोस्तों क्लिक करोगे, उसका जो देख सकते हो आधार ई केवाईसी का ऑप्शन आएगा। दोस्तों, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाता है। तो दोस्तों, अब आपको नीचे यहाँ पर देख सकते हो, नीचे वो कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से वो सीधा कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ से आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे दोस्तों, फिर आपको फिर से यहाँ से एक बार और यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। जैसे यहाँ से आप कंटिन्यू कर लोगे, उसका दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने इस टाइप इंटरफेस देखने को आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे आता है 12 डिजिट आधार नंबर। दोस्तों, आपको अपना आधार कार्ड का यहाँ पे नंबर इंटर कर देना है। आधार कार्ड का नंबर इंटर करने के बाद आपको चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे अपना आधार कार्ड का नंबर इंटर करके आप यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पे दोस्तों क्लिक करोगे, उसका दोस्तों आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर 6 अंक का ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी इंटर करके आपको यहाँ से कंटिन्यू कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना आधार ई केवाईसी यहाँ से कर लेता हूँ, तो आप भी अपने आधार कार्ड का यहाँ से केवाईसी कंप्लीट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हो कि मेरा केवाईसी डॉक्यूमेंट यहाँ से सक्सेस हो चुका है। जो देख सकते हो टिक भी लग चुका है। अब आ जाता है जनरल मतलब इन्फॉर्मेशन दोस्तों, तो यहाँ से आपको जनरल इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ से जनरल इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे वहाँ से आप जनरल इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन दोस्तों क्लिक कर लोगे, उसका दोस्तों आपका ईमेल आईडी ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लिया जाएगा। दोस्तों, उसका यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे वहाँ से आप कंटिन्यू कर लोगे, उसका दोस्तों आपका जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे अब आपको अपना
मैरिटल स्टेटस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस में आप सिंगल हो या मैरिड हो वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपका एजुकेशन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो वो अपना यहाँ पे डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ये करना कि आप कौन सा जॉब करते हो, किस टाइप का प्रोफेशनल जॉब करते हो, मतलब वो अपना यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा टाइप ऑफ रेजिडेंट दोस्तों यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लेना कि आप जिस घर में रहते हो वो आपका खुद का घर है या रेंट पे रहते हो या किसी फैमिली मेंबर के साथ किसी और के घर में रहते हो, तो वो अपना यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसका नीचे वो कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं अपना जनरल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करके मैं यहाँ कंटिन्यू कर लेता हूँ, तो आप भी अपना जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ से कंप्लीट करके आप यहाँ से कंटिन्यू कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा जनरल इन्फॉर्मेशन भी मेरा मतलब कंप्लीट हो चुका है और केवाईसी डॉक्यूमेंट मेरा यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। अब आता है रेफरेंसी दोस्तों, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप रेफरेंसी वाले ऑप्शन दोस्तों क्लिक करोगे उसका दोस्तों फिर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाता है। तो यहाँ पे अब आपको नंबर देना दोस्तों, अपने फादर या मदर का यहाँ पे नंबर देना, यानी कि दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करना है। उसके यहाँ पे ऊपर आपको टिक आ जाएगा कि आपने फादर का नंबर दिया मदर का नंबर दियो, यानी कि दोस्तों क्रेडिट भी लोन एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे बताना है कि आप अपने मम्मी पापा के इजाजत के बिना तो आप यहाँ से लोन नहीं ले रहे हो। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपना कन्फर्म करना है, उसका यहाँ पे अपने फ्रेंड का फुल नेम इंटर कर देना है, उसके अपने कोई भी एक फ्रेंड का यहाँ पे नंबर इंटर कर लीजिएगा। उसका नीचे वो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं ऐसे रेफरेंस मतलब कॉन्टैक्ट यहाँ से अपना ये फिलअप कर लेता हूँ, फिर मैं ऐसे कंटिन्यू कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों आप वहाँ से कंटिन्यू कर लोगे उसका दोस्तों देख सकते हो एप्लीकेशन सबमिट अप्रूवल का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे वो 2 से 3 सेकंड समथिंग यहाँ पे आपको वेट करना पड़ जाएगा। उसका दोस्तों जैसे वहाँ से आप लगभग 30 से 40 सेकंड समथिंग वहाँ पे आपको वेट करना पड़ जाएगा। जैसे वहाँ से आप 30 से 40 सेकंड समथिंग वेट कर लोगे उसका दोस्तों आपको यहाँ पे लोन ऑफर बता दिया जाएगा कि आप इस क्रेडिट भी पर्सनल लोन एप्लीकेशन के अंदर कितना लोन लेने के लिए एलिजिबल हो। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे दो टाइप का यहाँ पे लोन दिया जा रहा है। एक दिया जा रहा है यहाँ पर देख सकते हैं 75,000 का मुझे यहाँ पे लोन दिया जा रहा है और एक मुझे यहाँ पे 19,000 का मुझे यहाँ पे लोन दिया जा रहा है, यानी कि एक 75,000 का लोन दिया जा रहा है और एक मुझे 90,000 का लोन दिया जा रहा है और दोनों मुझे 1 ईयर के यहाँ पे दिया जा रहा है। दोनों मतलब एक साल के लिए मैं यहाँ से लोन ले सकता हूँ। तो दोस्तों अब आपको यहाँ से कौन सा लोन अप्लाई करना है, तो दोस्तों मैं पहले आपको बता देता हूँ कि अगर आपको अपने बैंक अकाउंट में अगर यहाँ से अमाउंट लेना है दोस्तों, तो यहाँ से पर्सनल लोन जो आपको देखने को मिलेगा, जो देख सकते हो पर्सनल लोन सैलरी जो ऑप्शन देखने को मिलेगा पर्सनल लोन का, तो आप यहाँ से पर्सनल लोन अप्लाई कीजिएगा। अगर आपको शॉपिंग वगैरह करना है दोस्तों, तो यहाँ से आपको परचेस ईएमआई वाला लोन जो देखने को मिलेगा 90,000 का, जितना भी आपको ऑफर करे वो आप यहाँ से ले सकते हो। तो दोस्तों मुझे अपने बैंक अकाउंट में यहाँ से 75,000 अमाउंट को लेना है, 75,000 का लोन लेना है दोस्तों। 75,000 अगर ठीक सामने आपके यहाँ पे गेट नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको गेट नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं ऐसे गेट नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे वहां से आप गेट नाउ वाले ऑप्शन दोस्तों क्लिक कर लोगे उसका दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं यहाँ से मिनिमम 10,000 का लोन ले सकता हूँ और मैक्सिमम मैं 75,000 का लोन ले सकता हूँ। और दोस्तों मेरा यहाँ पर ईएमआई मंथ भी यहाँ पे देखने को आ चुका है दोस्तों। आपको जितना भी लोन लेना होगा वो अपना यहाँ से एक बार सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ईएमआई मंथ अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसका दोस्तों अगर मान लेते हैं कि अगर आप यहाँ से लोन लेने में अगर आपको क्रेडिट लोन एप्लीकेशन के अंदर आपको प्रॉब्लम होता है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कॉल नाउ। तो सीधा आप कॉल नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप सीधा क्रेडिट भी का जो भी स्टाफ होते हैं उनसे आप सीधा कॉन्टेक्ट करके आप यहाँ से बात कर सकते हो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम अगर यहाँ से लोन लेने में अगर होता है दोस्तों, तो आप यहाँ से कॉल करके भी आप यहाँ से बात कर सकते हो। तो दोस्तों ये भी आपको ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब आपको लोन अमाउंट लेने के लिए करना क्या पड़ेगा, व्यू समरी चार्जेस का ऑप्शन जो ऑप्शन नीचे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से व्यू समरी एंड चार्जेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे वहाँ से व्यू समरी चार्जेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे उसका दोस्तों आपके लोन अमाउंट का सभी डिटेल्स यहाँ पे देखने को आ जाएगा कि आप कितना का लोन ले रहे हो, कितना आपका इंटरेस्ट लगेगा, कितना जीएसटी लगेगा, कितना आपके अकाउंट में भेजा जाएगा, सभी कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से अगर एक साल का लोन लेते हो तो आपके अकाउंट में यहाँ से भेजा जाएगा 69,888 रुपया, जो आप अगर यहाँ से 75,000 का लोन लेते हो, और यहाँ पे सभी डिटेल्स यहाँ पे देखने को आ जाएगा। तो अब आपको इस लोन अमाउंट को लेने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा व्यू रिपेमेंट शेड्यूल का, तो यहाँ से व्यू रिपेमेंट शेड्यूल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो आपका सभी मतलब देखने को मिल जाएगा शेड्यूल दोस्तों, यहाँ पर रिपेमेंट कब आपको क्या मतलब किस तारीख में कितना रिपेमेंट करना है सभी कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसका सब अपना देख लेना, उसका नीचे वो कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो सीधा यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों आप वहाँ से कंटिन्यू कर लोगे उसका दोस्तों अब आप यहाँ से अपना लोन पर्पस यहाँ सेलेक्ट कर लेना, क्या पर्पस क्या रीजन है जो आप यहाँ से लोन लेना चाहते हो, तो यहाँ अपना पर्पस सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसका दोस्तों आपके नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से सीधा कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं अपना लोन पर्पस सेलेक्ट करके मैं ऐसे कंटिन्यू कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों वहाँ से अपना पर्पस सेलेक्ट करके आप वहाँ से कंटिन्यू कर लोगे उसका दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे आता है ऐड बैंक अकाउंट। तो दोस्तों अब आप यहाँ से अपना ऐड बैंक अकाउंट यहाँ पे डाल देना, यानी कि दोस्तों आपको जिस भी बैंक अकाउंट में यहाँ से अमाउंट लेना है वही बैंक अकाउंट यहाँ पे आपको डालना है। तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे अपने बैंक का आईएफएससी कोड यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा। उसका दोस्तों जैसे आईएफएससी कोड इंटर कर लोगे उसका ठीक सामने आपको फाइंड आईएफएससी कोड का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने आईएफएससी कोड को यहाँ से वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद अपने अकाउंट नंबर यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा, उसके ठीक नीचे वो कंफर्म अकाउंट नंबर
नंबर यहाँ पे इंटर कर लेना है। उसके नीचे आपको ऐड अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ सबको ऐड अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं ऐड अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे वहां सब ऐड अकाउंट वाले ऑप्शन दोस्तों क्लिक कर लोगे, उसका दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका साइन डॉक्यूमेंट यहाँ पे देखने को आ जाएगा। तो सीधा आपको यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों आप वहां से कंटिन्यू कर लोगे, उसका दोस्तों आपका लोन एग्रीमेंट यहाँ पे आपको देखने को आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ से लोन एग्रीमेंट साइन करना है, तो नीचे आपको एक चेकबॉक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कंटिन्यू टू साइन लोन डॉक्यूमेंट का, ठीक है। यहाँ से आपको कंटिन्यू टू साइन लोन डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे उस पर क्लिक कर लोगे, उसका दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका अमाउंट ऊपर देखने को मिल जाएगा, जो देख सकते हो अमाउंट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे बताया जा रहा है यू लोन बी प्रोसेड इन 1 आवर, यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 घंटा के अंदर में आपके बैंक अकाउंट में से अमाउंट आ जाएगा। आपका बैंक अकाउंट का सभी डिटेल्स भी देखने को आ जाएगी, आप जो भी बैंक अकाउंट दिए वही बैंक अकाउंट में यहाँ पे आपको आएगा। आपका अकाउंट नंबर IFSC कोड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे 1 घंटा बताया जा रहा है, लेकिन दोस्तों आपको 1 घंटा यहाँ पे वेट नहीं करना। आपको लगभग 5 से 6 मिनट जैसे ही वेट कर लोगे, 5 से 6 मिनट के अंदर में आपके बैंक अकाउंट में से अमाउंट आ जाएगा। तो दोस्तों आप भी जाकर इसी प्रकार से क्रेडिट भी पर्सनल लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। काफी सिंपल है दोस्तों क्रेडिट भी लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई करना। दोस्तों अगर मान लेते हैं किसी भी कारण अगर आपको क्रेडिट भी लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन नहीं मिलता है, आपका लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है, या अगर आपको लोन ऑफर ही नहीं किया जाता है, तो फिर दोस्तों अब आपको इस कंडीशन में करना क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपका मात्र एज 18 साल है और आपके पास अगर पैन कार्ड और आधार कार्ड है दोस्तों, और आपको मिनिमम 5,000 लोन की जरूरत है, और मैक्सिमम अगर आपको 1 लाख लोन की जरूरत है दोस्तों, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 50 लोन एप्लीकेशन का लिंक देखने को मिल जाएगा। आप जाकर उन 50 लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। उन 50 लोन एप्लीकेशन के अंदर आपको कोई भी इनकम प्रूफ, कोई भी सैलरी स्लिप आपको अपलोड नहीं करना, ना कोई बैंक स्टेटमेंट वहां पे अपलोड करना है। ओनली फॉर पैन कार्ड और आधार कार्ड से KYC करोगे और वहां से आपको लोन मिल जाएगा। तो आप भी जाकर उन 50 लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो बस गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।